आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नो दिशा दीदी, वो तो हमेशा से ही बोंदू है। पहली बार भी आई लव यू मैंने ही उसे बोला था और उसने मुझे आई लव यू बोलने में महीने लगा दिए थे। क्या मतलब आपके पति ने आपको अभी तक आई लव यू बोला ही नहीं? क्या हुआ? एक सेकेंड, कौन है बताइए? आप लोग मुझे कुछ छुपा रहे हैं ना, हैं? बताइए। शांति रे बोल। ये आदमी शशिकला का पति है। इसे कहते हैं संडे का सुख। तेल और नींबू की चम्पी कराओ, उसके बाद गर्मा गर्म पानी से नहाओ। थोड़ा टाइट करारा हाथ मारो। यही तो है भैया मेरे मेरे लंबे घने और रेशमी बालों का राज। काले बालों का राज भी बता दो ना सबको। तो बड़ा मजा आता है ना सबके सामने मेरी बेइज्जती करने में। अरे भैया, बाल काले करके आप बाहर वालों को उल्लू बना सकते हो, घर वालों को नहीं। ऐसा नहीं है लेश भैया, इंदर भैया के सर में अभी भी काले बाल बचे ही होंगे। हाँ, एक दो तो मैं भी देख चुकी हूँ। अरे शशिकला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? लगता है शशिकला जी ना अपने पति को याद कर रही हैं। मैं क्यों उसे याद करूं? उसे मेरी फिक्र है क्या? हाँ सच में, कितने दुख की बात है ना, इसका पति तो इसकी ओर पलट के देखता भी नहीं है ना ईशान। कमाल है, इतनी अच्छी है शशिकला जी, फिर भी इनका पति ने भूल कर बैठ गया। शशिकला, तुम्हारा पति हमेशा से ऐसा ही था या बाद में हो गया? अरे नहीं नहीं, शशिकला का पति तो पहले बहुत प्यार करता था शशिकला को, बार बार आई लव यू बोलते थकता ही नहीं था। क्यों शशिकला? क्यों I love you कहो। नहीं मैं। नो दिशा दीदी, वो तो हमेशा से ही बोंदू है। पहली बार भी I love you मैंने ही उसे बोला था और उसने मुझे I love you बोलने में महीने लगा दिए थे। क्या मतलब आपके पति ने आपको अभी तक I love you बोला ही नहीं? अबे ऐसे क्या देख रहा है, तू भी बिल्कुल वैसा ही है, तू भी कभी आई लव यू बोल ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ईशान भैया तो आई लव यू बोल ही नहीं सकते। अरे आई लव यू बोलने से पहले बेहोश हो जाएगा ईशान। क्या क्या मतलब है आपका? मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं। अच्छा? हाँ, मौन नहीं तो क्या, अरे तीन ही तो वर्ड्स बोलने होते हैं। आई लव यू। चांदनी चौक के चावली बाजार में 4 किलो मिठाई बांटनी चाहिए। अच्छा, तुम इतना आसानी से आई लव यू बोल सकते हो? हाँ, क्यों? तो फिर
तुमने उस... शशिकला तुम ये शिकायत अपने पति से करो ना, मेरे बेचारे भाई को क्यों परेशान कर रही हो? या शायद मेरा ही बैड लक है, मैं ही बहुत बुरी हूँ, इसलिए मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं करता। अजीब आदमी है शशिकला जी का हस्बैंड। शशिकला जी कितनी अच्छी है, कोई उनसे प्यार कैसे नहीं कर सकता। कितनी अच्छी है। फ्रेंड टोस तैयार हुआ या नहीं? भैया क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हैं आप? वो आ गया, वो आ गया। अरे वो कौन? अरे वो मेरी जान ले लेगा यार वो। मगर कौन? वो कंबख्त शेफ्रा मोर कौन? ठीक है। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। हाँ अरे पर ये फ्रेंच टोस्ट तो मैंने इंदर भैया और इलेश के लिए बनाया था। आप पर कोई बात नहीं, मैं उनके साथ भी खा लूंगा। अरे मैम वो जूस देंगे प्लीज? भैया ये कंबक तो हमारे सारे फ्रेंच टोस्ट खाए जा रहे हैं। इलेश बचा ले यार फ्रेंच टोस्ट को। अबे मुझे भी बचा ले यार, वो कंबक बहुत पकाएगा मुझे। बहुत टेस्टी है मैम। थैंक यू मैम। मैम आप जरा इंदर सर को बुला देंगी प्लीज? ये तो ढेर सारी फाइलें लेके आ गए हैं। भैया आपकी तो निकल पड़ी। अब नाराज मत होइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भैया एक फाइल साइन करने में कितना टाइम लगता है? कंबख्त तो मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे इंदर भैया, इलेश भैया, आप लोग यहीं पे, आप लोगों में से किसी ने मेरा पेन देखा है क्या? अरे इस घर में कभी कुछ दिखता ही नहीं है, कल मैंने दो पेन खरीदी है, दो पेन। इंदर भैया आप सुनो, ये बोलना यार जी, इनका नाम इतना चिल्ला के मत ले। क्यों? एक सेकेंड, आप लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हो? अरे यार तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे लिए पेन लेके आता हूँ। तू जा, जा ना। नहीं नहीं, पर क्या हुआ क्या ये बताइए। कौन कौन है ये आदमी? अजीब आदमी है इनका, इंसानियत की कोई चीज है या नहीं इनमें? शशिकला जी कितनी अच्छी है और वो उन्हें बुलाए बैठा है, एक बार खबर तक नहीं ली उनकी। मुझे अगर मिल गया ना कहीं तो मैं उसे क्या हुआ? एक सेकेंड, कौन है बताइए? आप लोग मुझे कुछ छुपा रहे हैं ना, है? बताइए। शांति रे बोल, ये आदमी शशिकला का पति है। क्या ये शशिकला का पति? पीछे बात करो, कहाँ जा रहा है तू? इसे बात करने जा रहा हूँ। भैया ये वही घटी आदमी है जिसने शशिकला जी को इतने दुख दिए हैं। अरे जाने देना, क्यों किसी के मामले में टांग अड़ा रहा है, जाने दे। नहीं भैया, इस आदमी से तो आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी। बात करके भैया जाने दीजिए ना, आप ही तो कह रहे थे ना कि इस नमूने को सीधा करना है, तो जब आपकी और मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो ईशान की बात समझ में आ जाए। अरे मेरी बात तो समझ आनी है इसे, अगर नहीं समझ में आई ना तो ईशान तू पागल है क्या?
क्या? हेलो सर, वो कहाँ है? सर मैं यहाँ बहुत देर से उनका वेट कर रहा हूँ सर। क्यों बैठे हो? हाँ, किसी ने तुमसे कहा यहाँ पे बैठने के लिए? What? अरे सर, मेरा उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। क्यों क्यों बुला दूँ? वो घर पे नहीं है क्या? कौन? और अगर है भी तो तुम क्या चाहते हो? हाँ हेलो मिस्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुंह उठाए चले आए यहाँ पे परेशान करने? इतनी तकलीफ हो रही थी तो फिर जाने क्यों दिया? अरे सर, मैंने निकलते हुए देख लिया होता तो निकलने ही नहीं देता। पर भैया मैं आपको क्या बताऊँ, ऑफिस में इतना टेंशन, इतना काम, इतना प्रेशर कि अब मैं कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। छी, ये घटिया आदमी, काम का टेंशन है, प्रेशर है तो कोई अपनी बीवी को भूल जाता है क्या? भैया आप तीर निशाने पे लगाए। क्या? नो सर, मैं अपनी वाइफ को नहीं भूला, मैं तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, मेरी वाइफ है ना, बहुत खूबसूरत है। जानता हूं जानता हूं, मैं जानता हूं, पता है मुझे, बहुत खूबसूरत है वो। तुमने तुमने उनके लिए कुछ किया? नहीं किया है? तो इतनी अच्छी और खूबसूरत बी को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? नॉट एट ऑल सर, मैं अपनी वाइफ को कभी इग्नोर नहीं करता हूं। इनफैक्ट मैंने तो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना, उसे घुमाने ले जाऊंगा धर्मशाला। धर्मशाला? हाँ धर्मशाला। अरे तुम कैसे आदमी हो? तब तक वो क्या किसी और के घर में पड़ी रहेगी? किसी और के घर में? कैसे बौखलाया हुआ है भैया, तुमने आज तक कभी उनकी खबर ली? हाँ, तुम्हें चिंता है उनके कि वो कैसी है, बेचारी किस हाल में है, और आज अचानक तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या 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 मतलब क्या, बताओ। मेरी बीवी ने घर छोड़ दिया। और कब, क्यों, कहाँ? और आप उसको जानते हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें, बेचारी रात दिन तुम्हारे लिए आंसू बहाती है, तुम जैसे घटिया आदमी के लिए। मेरी बीवी आपके सामने आंसू बहाती है मेरे लिए? पर क्यों, आप उसके कौन है? मैं दोस्त, फ्रेंड, मैं दोस्त हूं उनका, और तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। तुमसे कितना प्यार करती हूं, और तुम छी, तुम्हें आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? हाँ बताओ। हेलो मिस्टर, मैं आपसे, अरे नहीं, तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ। व्हाट? मैं यहां क्यों आया था? ये सर, दिस फाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, सर प्लीज उन्हें बुला दीजिए। देखिए आज अगर मुझे साइन नहीं मिला ना, तो फिर बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अब प्लीज उन्हें बुला दीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। छी छी छी, तुम पैसों के लिए यहाँ पे आओ घटिया इंसान? आज भी तुम्हें अपनी फिक्र है, अपनी बीवी की फिक्र नहीं है? गेट अप, गेट अप मिस्टर, निकलो यहाँ से, मुझे दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे, गेट आउट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।